हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट मैट्रिक्स। तो कुछ ही दिन पहले हमने टर्की की अचीवमेंट्स आपको गिनाई थी, जहां पर हमने बताया था कि काफ़ी कम समय में टर्की द्वारा इनके अनका 3 यूकेएफ को शोकेस किया गया है, साथ ही साथ फिफ्थ जनरेशन टीएफएक्स फाइटर को शोकेस किया गया है और जो इनका हर जेट था उसके भी टेस्टिंग ट्रायल किए गए हैं। तो ये एक्चुअली काफ़ी इम्प्रेसिव अचीवमेंट्स है, पर उस समय हमने आपको बताया था कि टर्की में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेजेंट प्रेसिडेंट अर्दोगन द्वारा ये शोकेस करना काफ़ी ज़रूरी है कि उनकी अचीवमेंट्स क्या क्या रही हैं। तो यहाँ पर कई हाफ कुक्ड चीज़ों को भी शोकेस किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी इंडक्शन के करीब नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें टीएफएक्स फाइटर की भी, तो वो एक तरीके से आप कह सकते हैं इंजन लगा ढांचा है, अंदर एवियोनिक्स वगैरह सब कुछ लगने बाकी हैं और डेवलप होने बाकी हैं। और ये चीज़ हम नहीं कह रहे हैं, ये चीज़ टर्की के टीएफएक्स प्रोग्राम डायरेक्टर ने खुद कहा है कि जो पहला एयरक्राफ्ट है ये टेस्टिंग ट्रायल्स के लिए और मैक्सिमम इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस के बाद फर्स्ट फ्लाइट के लिए यूज़ किया जाएगा और एज एन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ही एक्ट करेगा। इसके बाद जो एक्चुअल प्रोटोटाइप है उस पे काम होना बाकी है, क्योंकि क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू यहाँ पर रह गया है। बाकी उसके बाद अनका 3 यूकेएफ को भी शोकेस कर दिया गया टर्की द्वारा, जो कि एक अनमैन्ड फ्लाइंग विंग स्टेल्थ यूकेएफ है। तो यहाँ पर भी ये बात चल रही थी कि टर्की हमसे आगे है, पर ये चीज़ हम भूल जाते हैं कि हमारा जो स्विफ्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है वो फ्लाई कर रहा है। वहाँ पर खाली ढांचा शोकेस नहीं किया गया है, हमारे पास एक्चुअल फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। और आज ही HL के चीफ टेस्ट पायलट द्वारा एक फोटो अपलोड करी गई है, जहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं एक नए स्विफ्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को। तो यहां दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक ये कि एक ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, या फिर पुराने वाले में ही थोड़े मॉडिफिकेशंस यहां पर किए जा रहे हैं। पर यहां जो भी है, ये एक चीज स्पेसिफाई करता है कि हमारे यहां पर्दे के पीछे काम चलता रहता है। डिफरेंस यहां पर ये है कि टर्की के द्वारा PR वर्क पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और छोटी से छोटी अचीवमेंट्स को वीडियोस के थ्रू, फोटोज़ के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। जो चीज़ नेसेसरी नहीं भी है उसके भी वीडियोस बनाकर यहाँ पर दिखाए जाते हैं, वहीं पर हमारे यहाँ ये साइट काफ़ी ज़्यादा रेयर है। और ये फोटो यही प्रूफ करती है कि हमारे यहाँ भी काम चल रहा है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि जो स्विफ्ट प्रोटोटाइप है, इसी पर बेस्ड घातक यूकेएफ या फिर DRDO ऑरा बनाया जाएगा। एक तरीके से वो इसका स्केल्ड अप वर्जन होगा। तो हमारा जो घातक यूकेएफ होगा, ये टर्किश अनका 3 के कंपैरिजन में एक बड़ा यूकेएफ होने वाला है और ऑलमोस्ट दुगने साइज का होगा और पावर किया जाएगा कावेरी इंजन के ड्राई थ्रस्ट वेरियंट से। तो हमारे घातक यूकेएफ की जो फर्स्ट फ्लाइट है, ये एक्सपेक्ट करी जाती है 2025 यानी कि आने वाले 2 सालों में। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर हमारे द्वारा बनाया गया है, यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ों को टेस्ट करके वेरीफाई कर लिया जाएगा, तो जो मेन एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि जो घातक यूकेएफ की मैन्युफैक्चरिंग है, ये पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप के अंतर्गत करी जाएंगी। तो ये यूकेएफ 30,000 फीट के ऊपर फ्लाई करने में सक्षम होगा, साथ ही साथ 15 टन क्लास कैटेगरी में आएगा। वहीं पर जो अनका 3 है, ये 7 टन क्लास कैटेगरी में आता है। तो DRDO घातक जो है, ये ऑलमोस्ट दुगना साइज में होगा अनका 3 के। और क्योंकि साइज यहाँ पर बड़ा होगा, तो एंड्योरेंस भी ज़्यादा होगी और वेपन कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। तो जो DRDO घातक है, इसको बनाने में जो टेक्नोलॉजी है, ये AMCA से भी बोरो करी जाएगी। तो ये ट्रू सेंस में नेक्स्ट जनरेशन यूकेएफ होने वाला है। वहीं पर जो स्विफ्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, ये खाली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर तक नहीं रहेगा, अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि इसे स्टेल्थ लॉयल विंगमैन के तौर पर भी डेवलप किया जाए, जिसके अंतर्गत ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ग्राउंड अटैक रोल्स को भी परफॉर्म करने में सक्षम हो। तो ये ज़्यादा पेलोड तो कैरी नहीं कर पाएगा, पर एक आध छोटे स्टैंड ऑफ वेपन्स को कैरी करने में सक्षम होगा। तो ये जो स्विफ्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, इसकी फर्स्ट फ्लाइट 1 जुलाई 2022 यानी कि पिछले साल करी गई थी, जिसके वीडियोज भी निकल कर सामने आए थे। उसके बाद आज हम ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर काम जो है सही पेस में चल रहा है और अच्छे खासे चांसेस हैं कि जिस टाइमलाइन में DRDO घातक की फर्स्ट फ्लाइट प्लान करी गई है वो सक्सेसफुली अचीव करी जाए। पर हमारा अभी भी ये मानना है कि PR वर्क हमको डेफिनेटली अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि कैपेबिलिटीज़ को शोकेस करने में भी हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। ये हमारे खुद के मोरल के लिए तो अच्छा है ही, इंटरनेशनली एक रेपुटेशन को भी क्रिएट करने के लिए नेसेसरी है। आई होप यहाँ पर चीज़ें सारी क्लियर रही हों और आपकी जो फ्रस्ट्रेशन थी वो थोड़ी कम हुई हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।